नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नशा, ये एक ऐसी चीज है जिससे आज पूरा देश परेशान है। पिछले कुछ सालों में ड्रग्स से जुड़े मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, खास तौर पर इसमें युवा फंसते ही जा रहे। लत किसी भी चीज की क्यों ना हो, हानिकारक तो होती ही, और इसी हानिकारक ड्रग्स की लत में आजकल के युवा खींचते ही चले जा रहे, और ये देश के लिए काफी परेशान कर देने वाली बात। एनसीबी आए दिन ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पर इससे जुड़े मामलों में गिरावट क्यों नहीं आ रही, ये सोचने वाली बात है। क्या ये कार्रवाई सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है, या फिर सच में नशे के बड़े तस्करों तक पहुंचने में एनसीबी नाकाम साबित हो रही है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हानिकारक नशे ने कितनों के घर तबाह किए हैं, कितनों की जिंदगी छीन। एक साल में 365 दिन होते हैं, इन 365 दिनों में 8760 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड को बनाकर बनता है एक मिनट और एक पल। कहते हैं एक पल में इंसान की जिंदगी बदल जाती है, और बदलती भी है। सुशांत सिंह राजपूत की भी बदली, एक हंसते खेलते इंसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया, और जो कुछ नहीं बदला वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। एक साल पहले जहां ये केस था आज भी वही है, मगर इस दौरान कई लोगों की जिंदगी बदल गई। सुशांत सिंह राजपूत का केस वही केस था जहां से ड्रग्स का खुलासा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद एनसीबी ने कई नशेड़ियों को कब्जे में लिया था, पर इसके पीछे जो बड़े चेहरे थे वो अब तक सामने नहीं आए, और अभी भी सुशांत का केस उसी दोहराए पर है जहाँ पहले था। हमेशा ये सवाल उठता है कि एनसीबी ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वाले छोटे मोटे ड्रग्स पेडलर को तो गिरफ्तार कर लेती है, मगर बड़ी मछलियों को कभी नहीं पकड़ पाती, ऐसा क्यों? सवाल ये भी उठता है कि एनसीबी बड़े बड़े सितारों को अपने दफ्तर के चक्कर तो कटवाती है, मगर जब सजा दिलाने की बात आती है तब एनसीबी नाकाम हो जाती है, ऐसा क्यों? क्या एनसीबी ये सब सुर्खियों में आने के लिए करती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रूज पार्टी को लेकर एनसीबी पर इल्जाम लगे। आपको बता दें कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में एनसीबी ने छापा मारकर हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया था। एक साल बाद फिर से एक बार बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया, वो इसलिए क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आलिम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आलिम भी इस क्रूज पर मौजूद थे। ड्रग्स में किसी बॉलीवुड स्टार या सेलिब्रिटी के आने से आम लोग प्रभावित भी होते हैं। 2007 में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई सेलिब्रिटी ड्रग्स के अपराध में फंसता है तो वो समाज को भी प्रभावित करता है, खास तौर से ऐसे युवाओं को जिन्होंने अभी तक ड्रग्स का सेवन नहीं किया। मतलब सेलिब्रिटी के ड्रग्स लेने से आम लोग भी ड्रग्स लेने लगते हैं। हमारे देश में हर दिन 21 लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ भारतीय गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ भारतीय अफीम का सेवन करते हैं, 70 लाख भारतीय इनहेलेंस का इस्तेमाल करते हैं, 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये मिल जाए तो भी जान का खतरा है, और ना मिले तो भी। एनसीआरबी के पास अभी 2019 तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2019 में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स ने ले। इनमें 7,860 लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रग्स की वजह से सुसाइड कर, यानी हर दिन 21 मौतें और करीब हर घंटे में एक मौत। हमारा भारत देश नशा मुक्त कब होगा, ये हम सभी के बीच एक बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की और खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।